तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए आंगनवाड़ी केंद्र संचालन के संबंध में ICDS का लेटर आ चुका है। देखिए, मैंने आज सुबह में ही और परसों शाम को जब गर्मी की छुट्टी के संबंध में ICDS विभाग का लेटर आया था, मैंने क्लियर ही शब्दों में कहा था कि अगर आपको आंगनवाड़ी केंद्र चलाना होगा तो इसके लिए एक से दो दिनों के अंदर अंदर लेटर आ जाएगा कि छुट्टी के दौरान आप आंगनवाड़ी केंद्र चलाएंगे नहीं चलाएंगी, सेविका सहायिका केंद्र पर रहेंगे नहीं रहेंगी, आंगनवाड़ी केंद्र खोलना है या नहीं खोलना है। इसके संबंध में अब क्लियरली जो है कल के डेट में लेटर आ चुका था, लेकिन लेटर जो है मुझे आज 10-11 बजे के आसपास प्राप्त हुआ है और सुबह से मैं बिजी था, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ले पाया। इस वीडियो में आपको मैं लेटर दिखा करके समझाऊंगा कि केंद्र तो खोलना ही है लेकिन और सारे क्या काम करने, ICDS के क्या निर्देश है, इसके लिए चलिए लेटर क्यों चलते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सभी सेविका, सबसे पहले एक बात सुन लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आंगनवाड़ी केंद्र संचालन के संबंध में ये लेटर मुझे आज सुबह 11 बजे प्राप्त हो चुका था, लेकिन सुबह से मैं कहीं बिजी था, बाहर गया हुआ था, इसलिए आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट नहीं दे पाया, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। हालांकि आज सुबह के वीडियो में और परसों शाम को जो लेटर आया था जिसमें छुट्टी के संबंध में घोषणा की गई थी, मैंने बताया था कि आपको आपका आंगनवाड़ी सेंटर का संचालन करना है नहीं करना है, सेविका सहायिका उपस्थित रहेगी नहीं रहेगी, इसके लिए स्पेशल एक सेपरेट लेटर आएगा और वो लेटर आ चुका है। बिहार सरकार ICDS निदेशालय की ओर से आया हुआ है, संचिका संख्या 3416 है। लेटर जो है कल के डेट में यानी 30 मई 2024 को आया हुआ है और आपको मालूम है कि 30 मई यानी कल से ही बच्चों की छुट्टी है। लेटर ICDS के डायरेक्टर ने जारी किया है, पूरे बिहार के DM को ये लेटर जारी किया गया है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा गया पत्र का विषय कि पोषाहार वितरण के संबंध में। अब छुट्टी में पोषाहार किस प्रकार वितरण करना है, प्रसंग जो है वही 3385 पत्रांक और 29 तारीख का जो लेटर है जिसमें छुट्टी के बारे में घोषणा की गई उसका प्रसंग दिया गया है। लिखा गया महाशय उपयुक्त विषयक प्रसंगी पत्र के द्वारा लू एवं भीषण गर्मी के बचाव हेतु राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन दिनांक 8 जून 2024 तक स्थगित किया गया है। लिखा गया कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन 8 जून 2024 तक तो स्थगित है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वर्ष में 300 दिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण करना बाध्यकारी है, यानी कि हर हाल में 300 दिन तक जो है पोषाहार बच्चों को मिलना चाहिए। अब इसके लिए क्या कह रहा है लेटर, लिखा गया था सम्यक विचारोपरांत दिनांक 8 जून 2024 तक आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति नहीं रहेगी, यानी कि 8 जून तक बच्चों के लिए छुट्टी है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सरकारी विद्यालयों में है बच्चों के लिए छुट्टी है लेकिन टीचर्स आ रहे हैं। लिखा गया है 8 जून तक सेविका सहायिका केंद्र पर उपस्थित रहकर अन्य सभी गतिविधियों को संचालित करते हुए गृह भ्रमण यानी होम विजिट के माध्यम से THR एवं खाद्य सामग्री लाभुकों के बीच वितरण कराना सुनिश्चित किया जाए, यानी कि 8 जून तक बच्चे नहीं आएंगे ये क्लियर है, लेकिन सेविका सहायिका डेली अपने समय के अनुसार केंद्र पर उपस्थित रहेगी, अन्य गतिविधि करेगी, रजिस्टर मेंटेन करेगी, साफ सफाई करेगी और होम विजिट करते हुए THR भी करेगी और खाद्य सामग्री लाभुकों के बीच बच्चों के बीच वितरित भी करेगी। यहाँ पर ICDS डायरेक्टर कौशल किशोर जी का सिग्नेचर, 30 मई का डेट आ चुका है। अब एक बात तो क्लियर है कि आज आप लोग जो है अपना अटेंडेंस जो है केंद्र ओपन जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, आपको अपना केंद्र पोषण ट्रैकर ऐप में ओपन जरूर करना है, भले ही आपको बच्ची की उपस्थिति नहीं बनाना है, कोई एक्टिविटी नहीं भरना है, कोई HCM नहीं देना है, लेकिन सेंटर ओपन कर लेना है। ओपन करने का मतलब आपने केंद्र खोल दिया, सेविका सहायिका मौजूद थी, अपना जो फिजिकल रजिस्टर है सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी, उस रजिस्टर में आपको अपना नाम और सेविका सहायिका का अटेंडेंस जरूर भरना है, बच्चों के लिए छुट्टी रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ें समझ गए होंगे। फाइनली इस यूजफुल वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।